और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ना धूप लगी हुई है बहुत तेज़ की, तो जो मैंने यहाँ पे सेफ्टी बॉल्स दिए थे ना, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मजबूत भी हुए हैं कि नहीं हुए। और आपको मैं आज केले के पेड़ लगाए थे मैंने नीचे, उनको भी दिखाता हूँ मैं। तो पहले तो ये हैं मेरे सेब के पेड़, ये देखिए, ये अब इसमें लगे नहीं है क्योंकि मैंने इसमें कटिंग नहीं की थी। अब कटिंग अगले साल ही करूँगा मैं, जब कटिंग का टाइम आएगा। और तीन सेब के पेड़, चार सेब के पेड़ हैं। ये दूसरा है ये वाला, ये देखो, ये सेब लगे नहीं अभी। और एक ये तीसरा है ये, और इसके साथ में ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, ये वाला, ये पता नहीं किस चीज़ का है। ऐसा खट्टे का होगा या फिर इसका मौसमी का भी हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सच में जो हमने मेहनत की थी वो कामयाब हुई है कि नहीं हुई है, सेफ्टी वॉल अच्छे से लगे हैं कि नहीं लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे ना थोड़ा रास्ता सा थोड़ा ख़राब है, ये भी मैंने बनाना है थोड़े तीन चार दिन के बाद, क्योंकि मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, वो चले गए हैं। वो ये देख सकते हो मेरे पीछे, ये ऊपर तक दे दिए मैंने, ये यहाँ पे, ये लास्ट वाला, इसके ऊपर एक और देना है। और चलो आपको नीचे वाले भी दिखाता हूँ मैं, जहाँ पे क्या नाम है मेन है। अब यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा मुझे, तो ये बैठ के नीचे काफ़ी, मतलब कि अब थोड़ी मजबूती आ गई है यहाँ पे ना, क्योंकि सेफ्टी वॉल लगाना बहुत ज़रूरी थे मुझे, तो इसलिए ये आप देख सकते हो, ये लगाए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये यहाँ से उधर तक और ये यहाँ से इधर तक, ये ऊपर तक ही है। अगर मैं सेफ्टी वॉल नहीं लगाता तो ये केले के पेड़ हैं ये नीचे गिर जाते ही। और ये देखो सानू ने बॉल कहाँ फेंका हुआ है, यहाँ नीचे, ये देख सकते हो आप। और ये लगा है पेड़ केले का, ये देख सकते हो, ये अभी छोटा ही है। और ये यहाँ काफ़ी सारे केले के पेड़ लगे थे, लेकिन अब की बार केले नहीं लगे हुए, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे, ये ऊपर तक है। और इसके नीचे ये देख सकते हो, ये केले का बगीचा है, ये ऊपर से ये यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ये। और नीचे शायद एक में लगे हैं, पर नहीं, एक्चुअली पता क्या होता है ना, जैसे एक यहाँ नीचे हैं तो ये बंदर वगैरह आते हैं ना, तो ये आपस में लड़ते हैं और इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, अगर लगे होते हैं तो उनको या तो खा जाते हैं या तोड़ देते हैं। ये देखो यहाँ भी, ये कुछ आया तो नहीं, ये देखो यहाँ भी बगीचा लगाया था केलों का बहुत ज़्यादा, तो आगे तो गिर गए थे। और आगे मतलब कि ये डंगे जो सेफ्टी वॉल है ये काफ़ी मजबूत हो गई है मेरे हिसाब से, तो वो ऊपर तक दिए हैं, वो देखो ऊपर कितने ऊपर तक के अपना घर हो। तो देख लो हिमाचल में इतने सेफ्टी वॉल देने पड़ते हैं पहाड़ों में, तो सेफ्टी वॉल देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लैंडस्लाइडिंग होगा। यहाँ भी हुआ है, ये देखो ये ऊपर, अब इस तरफ तो देखते हैं अभी अगर इस बरसात में अगर ये नीचे गिर गया तो दे देंगे, अगर नहीं गिरा तो मे भी नहीं देंगे। तो चलो फिर अगर आपको मेरे सेफ्टी वॉल अच्छे लगे होंगे और जो ये बनाना का बगीचा भी अच्छा लगा होगा, तो चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अब इसके बाद अब हम आप मैं आपको ले जाता हूँ सूरत, जो अजमेरा फैशन है, कुछ नए लहंगे कुर्तियाँ और साड़ियाँ हैं जो मैं लेना चाहता हूँ वंदना के लिए, बस मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो, नीचे आपको मैं उनका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आई होप मेरी जानकारी आपको अच्छा लगा, अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये स्टोन स्टिक किए गए हैं, हैंडवर्क किया गया है। और इसके साथ ये जो टॉप आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी हैंडवर्क के साथ यहाँ पर टोन टू टोन कलर का नेट का यहाँ पर फ्लावर है और कोटिंग दी गई है, जिससे इसका लुक काफी खूबसूरत बन जाता है। ये तो पर्टिकुलर क्रॉप टॉप है, लेकिन सीक्वेंस में साड़ीज, कुर्तीज, उसके बाद जो फैंसी टॉप्स होते हैं, ब्लाउजेस होते हैं, जो भी चीज़ लेडीज वेयर की होती है वो सीक्वेंस में आजकल पसंद की जा रही है। तो ये रहा पर्टिकुलर आपके लिए सीक्वेंस। और अगर हम इसके यहाँ पर बॉटम की बात करें तो ये देखें,
ये इसके साथ पैर किया गया है, इसका बहुत खूबसूरत सा बॉटम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वैष्णवी चौहान, स्वागत करती हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको कहाँ लेकर आई हूँ, आज मैं आपको लेकर आई हूँ हमारा जो गाउन और क्रॉप टॉप का डिपार्टमेंट है वहाँ पर। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, बहुत से सैंपल्स यहाँ पर लगाए हैं और ये जो पूरा काउंटर यहाँ होने वाला है ना, सिर्फ उसी की वैरायटीज यहाँ पर मेंटेन करके रखी हैं और उसमें से मैं कुछ रैंडम सैंपल्स आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे यहाँ जो क्रॉप टॉप है उनके। गाउन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उसमें भी मैंने आपको बहुत सारे सैंपल्स दिखाए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे सैंपल्स और करते हैं बहुत सारी बातें। तो पहला जो सैंपल मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, ये देखिए बहुत प्यारा सा ये। पहले आपको इसका जो है हम बॉटम कह सकते हैं, बॉटम और इसके साथ ये इसका टॉप यहाँ पर पैर किया गया है। दोनों का कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है और ब्लैक कलर का इसके ऊपर जो सीक्वेंस है वो लगाया गया है और मोतियों का काम इसके ऊपर किया गया है। साथ में दुपट्टा पैर अप किया गया है। और अगर हम इसके कलर चार्ट की बात करें तो चार का कलर चार्ट आपको मिलता है। उसमें आपको कई बार चारों के चारों कलर अलग होते हैं, कई बार उसके डिज़ाइंस भी अलग होते हैं, पैटर्न्स अलग होते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का कैटलॉग आप ले रहे हैं। और उसी में अगर हम क्रॉप टॉप की अगर नेक्स्ट वेराइटी की यहाँ पर बात करें तो ये देखिए आप, ये भी काफ़ी खूबसूरत सा पीस है और इसके साथ भी पैर अप किया गया है यहाँ पर टॉप। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा ये भी है। इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये स्टोन स्टिक किए गए हैं, हैंडवर्क किया गया है। और इसके साथ ये जो टॉप आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी हैंडवर्क के साथ यहाँ पर टोन टू टोन कलर का नेट का यहाँ पर फ्लावर है और कोडिंग दी गई है जिससे इसका लुक काफ़ी खूबसूरत बन जाता है। और इसी में अगर हम थोड़ा और फ्रिल वाली चीज़ अगर देखें तो नेक्स्ट चीज़ आपको बिल्कुल पसंद आने वाली है और ये है, ये देखिए ये काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ मिल रहा है, कलर वाइज ब्यूटीफुल है। और अगर मैं इसकी क्वालिटी की यहाँ पर बात करूँ तो ये इसका फर्स्ट लेयर है, देन ये सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर में यहाँ पर फ्रिल्स रेडी किए गए हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं ये फ्रिल्स दिए गए हैं। देन ये साटन का थर्ड लेयर है, देन फोर्थ लेयर इसका केन का है। तो आप देख रहे हैं चार से पाँच लेयर की आपको ये चीज़ मिल रही है और उसके ऊपर के लेयर पर यहाँ सीक्वेंस का काम किया गया है और साथ में पैर किया गया है इसका ये टॉप। अब आपको ये स्लीव्स इसकी नज़र आ रही हैं, ये पर्टिकुलर यहाँ पर स्लीवलेस है लेकिन इसके साथ स्लीव्स भी पैर की जाती हैं जिससे अगर कोई स्लीवलेस कस्टमर नहीं पहनना चाहे तो उनके लिए भी ये चीज़ प्रेफरेबल होती है। अगर हम इसमें मार्जिन की यहाँ पर बात करें तो आप काफ़ी अच्छी मार्जिन इनमें ऐड कर सकते हैं। आज तो ओनली बात चल रही है क्रॉप टॉप्स की, लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो एक रिटेलर है वो एक बिज़नेस नया चालू करना चाहता है तो जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं एक बिज़नेस के लिए तो वो सारी मिल जाती हैं, जैसे साड़ीज़, कुर्तीज़, ड्रेस मटेरियल्स, लेडीज़ एंड गारमेंट्स, ब्लाउज, पेटीकोट, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लहंगा, नाइटी और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब अपने पास रख के सारी वेराइटीज़ अपने यहाँ मेनटेन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वेराइटी की तरफ और वो होने वाली है कोडिंग बेस पर। ये देखिए इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से कोडिंग की गई है और इसके साथ पेयर किया गया है ये टॉप। देखिए लुक वाइज कितना खूबसूरत मिल रहा है, कलर ब्यूटीफुल है, बेल स्लीव्स दी गई है, उसके ऊपर भी ग्लिटर जरी और कोडिंग का काम किया गया है, काफ़ी खूबसूरत सा पीस है। और ये अगर आप मैनीक्वीन में लगाएंगे अपने शॉप की तो 110% गारंटी है कि ये आपके कस्टमर्स ये चीज़ जल्दी परचेज करेंगे और आप इसमें काफ़ी अच्छी मार्जिन ऐड कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे और जाते हैं आजकल की ट्रेंडिंग चीज़ और वो होने वाली है सीक्वेंस। ये तो पर्टिकुलर क्रॉप टॉप है लेकिन सीक्वेंस में साड़ीज़, कुर्तीज़, उसके बाद जो फैंसी टॉप्स होते हैं, ब्लाउजेस होते हैं, जो भी चीज़ लेडीज़ वेयर की होती है वो सीक्वेंस में आजकल पसंद की जा रही है। तो ये रहा पर्टिकुलर आपके लिए सीक्वेंस। और अगर हम इसके यहाँ पर बॉटम की बात करें तो ये देखिए ये इसके साथ पेयर किया गया है, इसका बहुत खूबसूरत सा बॉटम नेट बेस पर दिया गया है, उसके अंदर ब्लैक कलर की साटिन दी गई है और नेट का आप देख रहे हैं फ्रिल कितना काफ़ी खूबसूरत आ रहा है। तो इससे आपको इसकी क्वालिटी का आइडिया आएगा। लॉन्ग स्लीव्स में है, इसके साथ दुपट्टा पैर किया गया है और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे यहाँ मिल जाती है
लेकिन सब कुछ दिखाना हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं होता एक वीडियो में, इसीलिए अगर आप वो देखना चाहते हैं स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिए गए हैं, कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, हमारे ऑनलाइन सेल्स एग्जीक्यूटिव तो आपको अटेंड करेंगे और हर एक चीज़ की आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।